तो रोड जो है वो बजट में 82-83 में पड़ी है और 1993 में गढ़सा से धारा तक जो बस चली है, 1998 में वहाँ से बस खोड़ागे तक पहुँची है, तो आज ये बलान पहुँच गई है। इसमें कुल जो है वो 24 बीघे के लगभग ज़मीन लगी है गढ़सा से खोड़ागे तक और लगभग 100 परिवार इसमें प्रभावित हैं, 100 से भी ज़्यादा होंगे। जो मेरे पिताजी थे श्री शंभूलाल शर्मा, वो उनके तो जूते कई बार घिस गए इसमें, और विभाग वाले जब वो विभाग में पहुंचते थे इसके बारे में बातचीत करने के लिए, विभाग के जो कर्मचारी हैं वो उनका मजाक उड़ाते थे कि ये क्लेम वाला बूढ़ा जो वो अब क्लेम वाला बूढ़ा आ गया, तो इस तरह के। और इसके अधिकारी भी कुछ एक जो वो बदतमीज़ पाए गए हैं जो मजाकिय तौर पर इसको मामले को लेते हैं, उनको गरीबों की पीड़ा का कोई एहसास नहीं है क्योंकि उनके तो तनख्वाह लाखों में मिलती है, गरीबों को कुछ मिलता नहीं, इसलिए उनको इसकी ज़रूरत नहीं। तो विभाग में हम अनेकों बार मिले हैं, एक बार नहीं सैकड़ों बार मिले हैं, हम मंत्रियों से मिले हैं, हम मुख्यमंत्रियों से मिले, या दौरे पर आते थे, शिमला तो नहीं गए लेकिन दौरे पर जब आए तब तब उनको हम अपने ये पीड़ा सुनाते रहे, लेकिन आज दिन तक कुछ इसका इसके बाद की रणनीति हमने 15 जुलाई तक का इसमें टाइम इनको दे दिया है, DC साहब को हमने इसके पूरे ज्ञापन दे दिया है और उसमें ये सूचना बाकायदा दी गई है कि हम 15 जुलाई तक इनका इंतज़ार करेंगे, 15 जुलाई तक हमारा काम जो है वो हो जाना चाहिए, नहीं होने पर हमें रोड पर जो वो आंदोलन करना पड़ेगा, हम बाल बच्चों के सहित जो वो रोड पर बैठ जाएंगे और धरना देंगे, जब तक नहीं होगा तब तक हम इसका पीछाव नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब बात आर पार की हो गई है करेंगे, तो उसके बाद हम फिर उनका भी देखेंगे अभी 15 तक क्या क्या करते हैं, वो टाइम 15 तक का ही सबको है, हम यदि जरूरत पड़ी तो 15 आंदोलन से पहले एक बार भाईबंदी के तौर पर जो वो सरकार से शिमला में जा करके भी मिलेंगे, तो उसके बाद भी जब बात नहीं हुई तो सड़क पर आंदोलन होगा, हम आप सबों को भी वहाँ पर आमंत्रित करेंगे और उस आंदोलन को हम एक अच्छे तरीके से सभ्य तरीके से, हम ऐसे कोई उदंड आदमी नहीं है, बिल्कुल संविधान को देखते हुए हर चीज़ को देखते हुए अपना जो हमारा अधिकार है उसको लेंगे।